हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इन इंग्लिश की पाठशाला। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई थिंक अब तो आप सब जानते हैं, माय नेम इज मुकेश जन्मा और ये प्योर स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम आपके लिए हमने डिज़ाइन किया है। ये स्कूल की किताबों से हटकर थोड़ा अलग है। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, टंग प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस के ऊपर करवाते हैं बच्चों को, ताकि जो नॉलेज माइंड में भरा पड़ा है उसे हम वो इम्प्लीमेंट कर सकें और रियल लाइफ में ला सकें। तो शुरुआत करने से पहले, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के सर्च इंजन में जाएँ, लिखे मेरा नाम मुकेश जन्मा और आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में फेसबुक पर टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड नाम के जो पेज बना हुआ है उसे आप लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। लास्ट तक जुड़े रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सामग्री है आपके लिए, खास करके जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो बीच में और लास्ट में ही दी जाएगी, तो लास्ट तक आपको देखना जरूरी है। अब आप और हम शुरुआत करते हैं, बोलिए लेट्स बिगिन। Let's learn adjectives, क्या? Let's learn adjectives. चलो आज adjectives पढ़ते हैं, बोलो let's learn adjectives. Let's learn adjectives. Adjectives जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ऐसे पढ़ते हैं, विशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं नाउन एंड प्रोनाउन की, उन्हें हम हिंदी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। एडजेक्टिव मुश्किल टॉपिक नहीं है। मुश्किल क्या है? जब उसको डिग्रीज के रूप में यूज करना होता है तब कई सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऑल्दो मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि 10 मिनट में मैं उसको आसान बना सकता हूँ यदि आप सीरियसली एंड सिंसियरली सुनते हैं। तो सुनिए, एडजेक्टिव के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही इज अ डैश 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 पर्सन, राइट? ब्लैंक स्पेस में आपको एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। इंग्लिश में क्या होता है एडजेक्टिव? क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, विशेषता बताते हैं। और ये जो मैंने कुछ सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे किसी की विशेषता बतानी है, वो निखिल उस हाइट में लंबा है तो ही इज अ टॉल, यहाँ रख के बोलो ही इज, वो एक लंबा आदमी है, ही इज अ टॉल पर्सन। और वह अमीर आदमी है, किशन बोलो ही इज अ रिच पर्सन। और मिस्टर प्रवीण, ही इज अ ग्रेट पर्सन। फिर से बोलो, राम गोपाल बहादुर आदमी, ही इज अ ब्रेव पर्सन। फिर से बोलो, ये जो वर्ड्स यहाँ पे रख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ओके, ये डिफिकल्ट नहीं है। खत्म। यदि मैं कहूँ आपको कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये वर्ड्स जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो फिर अब पढ़ने की क्या जरूरत है? इसमें पढ़ने वाला टॉपिक वो है डिग्रीज। क्या स्कूल में थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा मैं रिमाइंड कर रहा हूँ यदि आप भूल गए हो तो। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो वास्तव में इन डिग्रीज को यदि आपको यूज करना है तो पॉजिटिव डिग्री के लिए कंजंक्शन काम में आता है एज एज। क्या? एज एज, ठीक है, इट्स कोरिलेटिव कंजंक्शन। और कंपैरेटिव डिग्री मतलब जो कंपैरिजन करता है, इसको मैंने सेकंड डिग्री भी नाम दिया है, तो इससे आप सेकंड डिग्री ही रखें और कंपैरिजन के लिए आपको कंजंक्शन टी एच ए एन देन का प्रयोग करना होगा, टी एच ए एन, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री आप सबने सुना होगा, और नहीं भी सुना हो तो मैं बता रहा हूँ, एडजेक्टिव की जो थर्ड डिग्री होती है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में नाम दे रहा हूँ, और इसके आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये हम थोड़ी देर बाद इसका जिक्र करेंगे जब सेंटेंस में आएगा। सबसे पहले जरूरी चीज, ये ऐसा तो आप स्कूल में पढ़ के आए इसीलिए इसको आप यूज नहीं कर पा रहे। मेरी रिसर्च ये कहती है कि आप पहले रो मटेरियल के ऊपर आप प्रिपेयर करें, तैयारी करें, फिर इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बनाएं, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। रो मटेरियल मतलब जो एडजेक्टिव है, टॉल, रिच, ग्रेट, ब्रेव, लेजी, मैंने कम एग्जाम्पल लिए, स्लाइड में ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को रो मटेरियल के तौर पे पहले आप डिग्रीज में समझने की कोशिश करें। तो मैंने ये तीनों डिग्री ऊपर लिखा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और पॉजिटिव को ही फर्स्ट डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव को सेकंड डिग्री कहते हैं, एंड सुपरलेटिव को थर्ड डिग्री कहते हैं। सो समझना ये है कि आखिरकार जो डिग्रीज होती हैं वो इन एडजेक्टिव्स की ही होती है। यदि ये रो मटेरियल आपको पता है तो फिर ये सेंटेंस बनाना बेहद आसान है। कैसे? इधर देखो, जैसे टॉल, टॉल मतलब लंबा, आप सभी जानते हैं, तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें अलग अलग रूल्स से डिग्रीज बनती हैं, हालांकि आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है। टॉल है तो इस टॉल को मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ, सुपरलेटिव में भी एज इट इज लिख रहा हूँ। अब चेंज क्या करना है, इसके पीछे आप लगा दें ई आर। क्या?
और इसके पीछे स्टॉल के फर्स्ट डिग्री के फर्स्ट एडजेक्टिव के आगे क्या लग जाएगा? ई एस टी. क्या लग जाएगा? जी हाँ, जी एस टी नहीं लगेगा. जी एस टी का बड़ा खौफ है. जी एस टी नहीं, क्या लगेगा? ई एस टी. ओके, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, टॉल के पीछे ई आर लगाने से बोलो टॉलर, क्या? और इधर ई एस टी लगाने से बोलो टॉलेस्ट, क्या? अब एक साथ मेरे साथ बोलेंगे टॉल टॉलर टॉलेस्ट. अब सभी जानते हैं टॉल मीन्स हाइट में लंबा, टॉलर मतलब उसके कंपेरिजन में कोई दूसरा वाला उससे ज्यादा लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सभी के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा लंबा, राइट? अभी हम इसका यूज करेंगे, लेकिन ये पहला रूल जो आपको बताया ई आर ई एस टी, मतलब नॉर्मल एडजेक्टिव के साथ ई आर ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनती है. चलिए आपके लिए ही एक क्वेश्चन, रीच की तीनों डिग्री बनाइए स्पष्ट आवाज में. रीच, रीचर, रिचेस्ट, बोलो. ग्रेट मीन्स महान, अच्छा आदमी, उसके लिए ग्रेट के पीछे ई आर ई एस टी लगा के बोलिए. से ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. अब आप समझिएगा, यदि किसी एडजेक्टिव में पहले से ई लगा हुआ है तो फिर से वापस ई आर ई एस टी मत लगा देना, है ना? ब्रेव में पहले से ई लगा हुआ तो सिर्फ आर लगेगा, और इधर ब्रेव में सुपरलेटिव डिग्री में ब्रेव के साथ सिर्फ एस टी लगेगा. तो तीनों डिग्री स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रोनाउंस करें. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, क्या? ब्रेव मतलब बहादुर, उससे ज्यादा बहादुर, और सबसे ज्यादा बहादुर ब्रेवेस्ट. लेजी, आलसी इंसान, है ना? लेजी को आप एज इट इज लिख दें, यहाँ पे रूल चेंज होगा, सुनिएगा ध्यान से. पहले अधिकतर डिग्रीज में ऐसे एडजेक्टिव जो जिनका आखिरी लेटर वाई होता है, अधिकतर उनमें से कुछ एक्सेप्शंस है उनको छोड़कर, वाई हटेगा उसकी जगह क्या लगेगा? अल्फाबेट आई, यहाँ पर भी आई, फिर ई आर ई एस टी लगेगा. ई आर और ई एस टी लगा दीजिए. बोलिए लेजी, लेजियर, लेजियस्ट. क्रेजी की तीनों डिग्री इसमें भी वाई आती, बोलो क्रेजी, क्रेजियर, क्रेजियस्ट. कंफर्टेबल? तो ये एक डिग्रीज, ये इसे हम बोलते हैं रो मटेरियल. ये दे रखा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको डिग्रीज के लिए हम पूरी एक पॉकेट डिक्शनरी में देते हैं. जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, आप भी, है ना, इन डिग्रीज के ऊपर ज़्यादा मेहनत करें. ये रो मटेरियल पहले से हैं. यदि आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिग्रीज नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूँ जिनकी डिग्रीज नहीं होती हैं, जैसे वो स्वार्थी आदमी, बोलो ही इज़ सेल्फिश, क्या? Selfish. अब सेल्फिश एक एडजेक्टिव तो है, विशेषता बता रहा, लेकिन इसकी डिग्रीज नहीं, इसकी इनकी डिग्रीज नहीं होती हैं. आप यूज कर सकते हैं ही इज डिलिजेंट, क्या? Diligent. बहुत मेहनती जो व्यक्ति होता है ना, परिश्रमी, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिलिजेंट, क्या? Diligent. तो डिलिजेंट की डिग्री नहीं होती. ऐसे ही बोलो ही इज फेमस, ही इज पॉपुलर. ये इस साइड लिखी हुई है, आप बाद में देखिएगा, लेकिन ये जो एडजेक्टिव हैं इनकी डिग्रीज नहीं होती. अब कई बार लोग कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी डिग्रीज नहीं होती, क्वेश्चन भी जेन्यून है. आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलिए, उसके आगे यदि आप चेक करोगे ना कोई भी एडजेक्टिव, जैसे लेजी है तो आगे ब्रैकेट में तीनों डिग्री दे रखी होगी, और यदि नहीं है तो नहीं उसकी डिग्रीज. ओके, सेल्फिश यदि डिग्रीज नहीं है तो आगे आप मोर एंड मोस्ट का यूज करेंगे. कैसे? सेल्फिश, मोर सेल्फिश, मोस्ट सेल्फिश. ठीक है, डिलिजेंट का आप बनाइए, राइट? फेमस का बनाइए, इजी. ये तो हुआ रो मटेरियल. यदि ऐसा रो मटेरियल है तो अब आपके लिए सेंटेंस बनाना दाएं हाथ का खेल है. कैसे? देखिए, इस रो मटेरियल को पहले तो इन स्ट्रक्चर में रखिए, तीनों कंपेरिजन पॉजिटिव, मतलब जब बराबर की तुलना करनी हो. अच्छा, एक बात और, देयर मस्ट बी क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड कि व्हाई आर वी एग्जैक्टली यूजिंग डिग्रीज, हमें डिग्रीज क्यों यूज करनी है, होना है? ऐसा नहीं कि इंग्लिश में टॉपिक इसलिए यूज करना, पता भी होना चाहिए, फील होना चाहिए. डिग्रीज मतलब जब विशेषताओं की तुलना करनी हो, जब आपको कंपैरिजन करना है दूसरों की क्वालिटी के साथ, तब हम तीन प्रकार से कंपैरिजन करते हैं. पहला है पॉजिटिव कंपैरिजन, मतलब कोई वो है उसके जैसा, ये उसकी हाइट 6 फीट है, मेरी भी हाइट 6 फीट है, हम इस क्लास में हम दोनों लंबे हैं, तो हम कहेंगे मैं भी उसके जैसा लंबा हूँ या वो भी मेरे जैसा लंबा है हाइट में, राइट? तो ये बराबर कंपैरिजन है. दूसरा है कंपैरेटिव, मतलब एक की कंपैरिजन में दूसरे की विशेषता बढ़ाना, कि मैं उससे ज़्यादा लंबा हूँ हाइट में, राइट? तो उसके लिए सेकेंड डिग्री काम में आएगी, जो हमने लिखा का टॉल का, टॉल का टॉलर. थर्ड है सुपरलेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा सुपीरियर बताना, कि इस क्लास में सबसे ज़्यादा हाइट में लंबा तो मैं, है ना? तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री काम में आएगी, लेकिन उससे पहले एक बार और रो मटेरियल तैयार करें. सबसे पहले पॉजिटिव कंपैरिजन,
क्या यूज करेंगे? एज एस, ठीक है। ये जो पहला ब्लैंक स्पेस दिख रहा है इसमें आप एडजेक्टिव यूज करोगे, क्या यूज करोगे? और जो सेकंड वाला ब्लैंक स्पेस है इसमें नेम, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसका नाम सेकंड वाले ब्लैंक स्पेस में आएगा, ठीक है। जैसे टॉल मतलब लंबा, यदि हम किसी बड़ी हस्ती का एग्जांपल दें जो कि हाइट में बहुत लंबी है तो हम कहेंगे अमिताभ बच्चन जितना लंबा है ना, तो एस और एडजेक्टिव के लिए यहाँ पर टॉल यहाँ रखें और एस अमिताभ का नाम यहाँ रखें, पहले इसकी भूमिका बनाइए, बोलिए एस टॉल एस अमिताभ, बोलो एस टॉल एस अमिताभ, ठीक है, अमिताभ सर जितना लंबा, राइट। और दूसरा रिच मतलब अमीर, यदि किसी बड़ी शख्सियत से कंपैरिजन करना है तो एस यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ रिच या नेम, मुकेश अंबानी जितना अमीर, यू अंडरस्टैंड, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कंपैरिजन। सेकंड नंबर पे आता है सुपरलेटिव डिग्री, एक के कंपैरिजन में दूसरे की विशेषता बढ़ा के बोलना। तो एडजेक्टिव ये सेकंड डिग्री तो लिखी हुई सारी यहाँ पे, इन्हें आप उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पर वापस वही नाम आएगा जिससे आप तुलना कर रहे हो। कैसे? इधर देखो, मैं कह रहा हूं वो मेरे जैसा लंबा है तो एस टॉल एस मी या किसी के बोल दिया, लेकिन मैं मुझे से बोला मैं उससे भी ज्यादा लंबा हूं, ज्यादा वर्ड आती सेकंड डिग्री, टॉल की सेकंड डिग्री टॉलर, उठाकर यहां पर रखकर आप यह नाम रख के बोलो टॉलर देन मी, या अमिताभ से ज्यादा लंबा बोलो टॉलर देन अमिताभ। रीच की सेकंड डिग्री क्या होती? रीचर, सेकंड डिग्री उठा के लिखा हुआ एडीजे सेकंड डिग्री, तो एडजेक्टिव यहां रखिए रीचर, मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर, एक स्वर में रिचर देन मुकेश अंबानी, ग्रेट, ग्रेट का सेकंड डिग्री ग्रेटर, प्रवीण से भी ज्यादा महान, तो एडजेक्टिव ग्रेटर देन प्रवीण, अच्छा भी यूज कर सकते हैं ना ग्रेट के तौर पे। तो ये एक के कंपैरिजन में दूसरे को बड़ा। थर्ड है सुपरलेटिव, सबसे सुपीरियर बताना, ये तो बहुत आसान है। थर्ड डिग्री एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, इन सब के आगे दी लगाना है, द लगा के बोलिए आप, सबसे ज्यादा लंबा बोलो द टॉलेस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा महान, अच्छा, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा आलसी आदमी, ठीक है। अब ये यदि ये रो मटेरियल आपको पता चल गया है तो अब तो करना क्या, सेंटेंसेस ही तो बनाने ना, इसके आगे आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, जो लगाने लगा के बोलिए। जैसे वन बाय वन, वो निखिल वो मेरे जैसा लंबा है, तो आप यहाँ पे लिखिए ही इज, आगे ही इज लगा के बोलो ही इज एज टॉल एज मी, बोलो ही इज एज टॉल एज मी, या वो अमिताभ जितना लंबा है तो आगे बोलो ही इज एज टॉल एज अमिताभ, ही इज एज टॉल एज अमिताभ। आप मुझे भी बोल सकते हो सर आपकी भी हाइट अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अमिताभ जैसी, मतलब आप अमिताभ जितने लंबे हो तो आगे यू आर लगा के बोलो यू आर एज टॉल एज अमिताभ, यू आर एज टॉल एज अमिताभ। यदि आप मुझे कह रहे हो यू आर एज टॉल, क्वेश्चन पूछना तो यू आर में से आर आगे लो, आप भी अमिताभ जितने लंबे हो क्या, तो आर यू एज टॉल एज अमिताभ, आर यू एज टॉल एज अमिताभ, कंफर्टेबल। ये दो तीन क्वेश्चन पूछिए किसी से, पूछना भाई आप क्या मुकेश अंबानी जितने अमीर हो क्या, तो आर यू एज, यहाँ पे अमीर के लिए रिच यहाँ रखिए एज नाम, आर यू एज रिच एज मुकेश अंबानी, आर यू एज रिच एज मुकेश अंबानी, कंफर्टेबल। यदि वो है तो बोलेगा यस आई एम एज रिच एज मुकेश, नहीं है तो नहीं नहीं आई एम नॉट एज रिच एज मुकेश अंबानी। सेकेंड कंपेरिजन, एक की तुलना में दूसरों की विशेषता बड़ा चला के बोलना, राइट। वो अमिताभ से भी ज्यादा लंबे, उनकी फीट शायद 7 फीट हाइट है निखिल की, तो ज्यादा लंबे आते हैं, टॉल की सेकंड डिग्री टॉलर उठा के यहाँ रखे बोलो टॉलर देन अमिताभ, क्या टॉलर देन अमिताभ, कौन वो है तो आगे ही इज लगा दो, ही इज टॉलर देन अमिताभ, ही इज टॉलर देन अमिताभ। आप मुझे भी कह सकते हो सर आपकी भी हाइट अच्छी है, आप भी अमिताभ से ज्यादा लंबे हो, तो यू आर टॉलर देन अमिताभ, यू आर टॉलर देन अमिताभ। और क्वेश्चन पूछना तो यू आर में से आर आगे लाओ, आर यू टॉलर देन अमिताभ, वेरी नाइस। आप अमिताभ से भी ज्यादा लंबे हो बोलो आर यू टॉलर देन अमिताभ, आर यू टॉलर देन अमिताभ, ठीक है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लेते रहो, ब्रेव का सेकंड डिग्री ब्रेवर, आप क्या शेर से भी ज्यादा बहादुर हो, तो आर यू ब्रेवर देन लायन, आर यू ब्रेवर देन लायन, ठीक है। हूं तो आई एम ब्रेवर, नहीं हूं तो आई एम नॉट ब्रेवर, वो आप आंसर में आप दे सकते हैं। थर्ड सबसे सुपीरियर बताना है ना, कई बार हम पूछते भी हैं क्यों रे तेरी फैमिली में सबसे आलसी आदमी तू ही है क्या, है ना। क्वेश्चन पूछना तो आगे आर यू लगा के बोलो आर यू द लेजिएस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आर यू द लेजिएस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे बहादुर आप ही हो क्या, सबसे ज्यादा बहादुर आप ही हो क्या, तो बोलो आर यू द ब्रेवेस्ट पर्सन इन योर फ्रेंड सर्कल, आर यू द ब्रेवेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, ओके। ये क्वेश्चन पूछना है, आप कैसे भी बोल सकते हो सबसे बिजी आदमी इस क्लास में आप ही हो, है ना, यू आर द बिजिएस्ट पर्सन इन दिस क्लास, यू आर द बिजिएस्ट पर्सन इन दिस क्लास,
यहाँ है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको और एडजेक्टिव लेके जितने सेंटेंसेस आप बना के बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना फ्लो बनेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें समझना बड़ा आसान है ना, बट सबसे मुश्किल काम जो हम बार बार कहते हैं क्या, समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये तो हुआ जिनकी डिग्रीज होती, जिनकी डिग्रीज नहीं होती वो डिफिकल्ट नहीं है, मोर एंड मोस्ट लाइक इट्स वेरी सिंपल। ओके, जैसे किसी का एग्जाम्पल देना, वो बहुत मेहनती है, परिश्रमी, बोलो ही इज डिलीजेंट, ही इज डिलीजेंट। कंपैरिजन करना है, कौन मेहनती कौन परिश्रमी, किसका एग्जाम्पल देना है ना, किसान बहुत परिश्रमी है तो किसान जैसे परिश्रमी बोलो ही इज, यहाँ पे पॉजिटिव एज, ही इज एज डिलीजेंट एज अ फार्मर। कभी कभी तो वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, किसान से भी ज्यादा मेहनती है, ज्यादा वर्ड आती है, ज्यादा वर्ड आती है, यहाँ पे मोर का प्रयोग होगा, डिग्री तो अभी है ही नहीं डिलीजेंट की, बोलो ही इज मोर डिलीजेंट देन ए फार्मर। फार्मर तो छोड़िए, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स में 20 घंटे काम करने वाले व्यक्ति वही हैं, सबसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति वही है, सबसे ज्यादा परिश्रमी व्यक्ति वही है, तो द मोस्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिग्रीज नहीं होती। ही इज द मोस्ट डिलीजेंट पर्सन इन दिस क्लास। तो मोर एंड मोस्ट का अलग है, यदि आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे जो कि अभी मैं लिखवाऊंगा पूरा, तो इस साइड तो तीनों डिग्री लिखी हुई, वीटी वीटी वीटीएस, जोली जोली जोलीएस्ट, नाइस नाइसर नाइसेस्ट। दिस साइड ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनकी डिग्रीज नहीं होती हैं। तो केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ इंसानों के ऊपर बताया, आप वस्तुओं के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये स्लाइड से आपको सेंटेंसेस बनाने, मैं आप सबको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि अब तक आपने होमवर्क किया नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर आप होमवर्क जरूर करें और सेंटेंसेस लिखकर बोलकर अभ्यास करें। और आप सभी लोग जो इस प्रोग्राम को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपके लिए भी सख्त निर्देश हैं, क्योंकि ये टॉपिक समझ तो आप लोगे, लेकिन समझने के बाद जब तक आप इसको प्रैक्टिकल रूप से नहीं बोलोगे तब तक ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो आप 10-15 सेंटेंसेस बनाएं एडजेक्टिव्स के साथ, डिग्रीज के साथ बोलें, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, जैसा कि कई सारे स्टूडेंट्स लगातार हमें अपना होमवर्क यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, आई रियली एडमायर इट, मुझे बहुत प्रशंसा करता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि लोग अमूमन सिर्फ देख के चले जाते हैं, हमें पता है टाइप करने में कितना टाइम लगता है, तो उसकी दिलचस्पी को देखते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी को हम देखते हैं। ऐसा कैसा, बस आप करते रहें, बाकी लोग भी होमवर्क करते रहें। आज अभी ये टॉपिक दिखा नहीं होगा, इसके लिए मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूँ 5 सेकंड के लिए एडजेक्टिव की। ये रही एडजेक्टिव की स्लाइड, आप जो स्लाइड में दिख रहा है उसे आप लिखते जाएं, उसको देखकर कुछ एग्जांपल्स बनाते जाएं। इससे ज़्यादा टाइम मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, है ना, टाइम की कमी है। आप सेंटेंसेस बनाएं और बोलकर अभ्यास करें, प्रॉब्लम आए तो लिखें। आप भी सेंटेंस बनाएं और बोलिए आज के लिए इनफ, इट्स इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। यू गाइस आल्सो, आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला और पूछते रहिए, कीप आस्किंग, और लास्ट में ईमेल आईडी दी जाएगी इस प्रोग्राम के जस्ट एंड होने के बाद। तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड फॉर फ्रेंचाइजी, देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप जरूर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही काफी, मेरी तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सीखते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब लोग मिलते हैं, फीडबैक देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है सोसाइटी को, यदि हम कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं और रिवर्ट में उसकी बदले यदि कोई हमें सराहना भी कर रहा है, तो अपने आप मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने का, राइट? सो इट्स इनफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन चाओ, कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला, थैंक यू सो मच।